Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, see the question 2. Choose the correct option and justify your choice. आपको यहाँ पर कुछ options दिए हुए हैं question के साथ में multiple choice के. यहाँ पर आपको correct option को बताना है और justify भी करना है. तो see इसका first part हम करेंगे. First of all, 2 का जो first part है, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, first of all, 210 30 degree upon में 1 plus 10 square 30 degree, ये value हमें बतानी है, 1 square है, this is square, 1 plus 10 square, this is 1 plus 10 square 30 degree, ये value आपको बतानी है. Now student, अब first of all, ये हमें बताना है, A sin 60 degree के बराबर होगा, B cos 60 degree के, C tan 60 degree, या D sin 30 degree. तो इसके पहले वैल्यू निकाल देते हैं. सिंस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सिंस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. यही वैल्यू का यूज करेंगे हम. कितना आ जाएगा, 2 × 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि नीचे स्क्वायर है tan पर. कितना आएगा, 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3. सॉल्व कीजिए, 2/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3, 3 + 1 = 4/3. फर्दर इसे करेंगे, 2 √3 × 3 / 4 ये आ जाएगा. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट थ्री, मैं यहाँ रूट थ्री कर दूंगा तो कितना आएगा, √3/2. अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 स्टूडेंट यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है और ये क्या होता है, sin 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है. आप देखिए ऑप्शन में क्या है, sin 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर दे दी है. यहाँ पर cos 30 डिग्री तो है नहीं किसी ऑप्शन. अब इसका जो है नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर करेंगे. नेक्स्ट वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे दिया हुआ है सी. सेकेंड पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि sin 2a is equal to 2 sin a होगा. इस ट्रू, ये क्या होगा, ट्रू होगा व्हेन, व्हेन a की वैल्यू आपको बतानी है कि किस वैल्यू के लिए ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा. अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तो हम बारी बारी से ऑप्शन रखेंगे. फर्स्ट a ऑप्शन में रखता हूँ. a में क्या दिया हुआ है, a ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मुझे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो अगर a 0 डिग्री रखूंगा तो LHS क्या आएगी, ये आ जाएगी sin 2 × 0 डिग्री. कितना आएगा, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0. अच्छा RHS क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा 2 × sin 0 डिग्री, वो भी क्या आएगा, 2 × 0, दैट इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट ही यहां पर देखिए ऑप्शन के लिए क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं. देयरफोर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, या मैं लिख देता हूं, सिंस a इज इक्वल टू 0 डिग्री, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, a इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन. देयरफोर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन के लिए ये नहीं होगा. आप करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट, एक बार 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री 60 डिग्री ये नहीं आएगा. तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमने देखा, फर्स्ट ही ऑप्शन से हमारा हो गया. मैं आपको किसी और ऑप्शन से भी करके दिखा देता हूँ. एक हम करते हैं सी, क्या सी से देखिए नहीं आएगा. तो ये मैं आपको रफ के लिए करके दिखा रहा हूँ. ए को मैं क्या ले लेता हूँ, 45 डिग्री, तो साइन 2a की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यानी कि साइन 2 × 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो कि हमारी कितनी है, 1, जबकि 2 sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × sin 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/√2 जो कि √2 की वैल्यू आएगी. ये देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे. उसी तरह 60 और 30 के लिए भी इक्वल नहीं आएंगे स्टूडेंट.